नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल इंडिया में मैं रूपाली आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि हमारे चैनल का उद्देश्य है, किसी भी घटना, कहानी, कथा या मिथक के पीछे छुपे वास्तविक लॉजिक को समझना, समाज पर उसके प्रभाव से आपको अवगत कराना और सत्य से साक्षात्कार कराना। इसी कड़ी में आज हम आपको लिए चल रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर जो समाज में नई चेतना का संचार कर रही है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। दोस्तों, हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राघोगढ़ राजवंश के ज्येष्ठ पुत्र दिग्विजय सिंह और उनकी धर्मपत्नी अमृता सिंह जी की नर्मदा पूर्ण पैदल परिक्रमा यात्रा में, जो दिनांक 30 सितंबर विजयादशमी को नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट से प्रारंभ हुई और मध्य प्रदेश सहित गुजरात और महाराष्ट्र के नर्मदा तटों से होते हुए मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक तक फरवरी अंत में पहुंचेगी। वहां से पुनः बरमान आकर मार्च में ये यात्रा पूर्ण होगी। अभी हमारे साथ हैं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र और मध्य प्रदेश में सक्रिय संदीप दीक्षित जी। आइए उनसे जानते हैं दिल्ली की सत्ता के गलियारों से दूर मां नर्मदा के किनारे गांव की इन पगडंडियों पर उनके अनुभव क्या हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी की इस यात्रा में न सिर्फ प्रदेश के लोग बल्कि और न पुराने जो दिग्गज हैं, नए जो हैं, सब जो जनता आप देख रहे हैं यहाँ आप देख रहे हैं, लगातार जो जुड़ते जा रहे हैं, ये पार्टी विशेष से नहीं, सब जगह से आ रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ अभी मौजूद हैं, आज यात्रा में हमें मिले हैं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शीला दीक्षित जी के सुपुत्र श्री संदीप दीक्षित जी हमारे साथ हैं। क्या अनुभव है सर आपका? अनुभव तो बहुत अच्छा है, देखिए अद्भुत है। काफ़ी दिन पहले मैं दिग्विजय सिंह जी से एक बार दिल्ली में मिला था और उन्होंने मुझे कहा कि एक बहुत पहले से उनके मन में एक विचार था कि नर्मदा जी की यात्रा वो करें, और वो कहने लगे कि भाई कुछ ही दिनों में हम पूरा करना चाहते हैं। तो एकदम से एक ऐसा लगा कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें जुड़ना चाहिए, लेकिन उस समय गुजरात के चुनाव हो गए तो हम लोग सब वहाँ निकल गए थे। तो जैसे ही मौका मिला मैं यहाँ आया हूँ। दो तीन चीज़ें मैं कहूँगा जो मुझे विशेष दिख रही हैं। एक तो बहुत कम होता है आजकल के जीवन में खासकर, कि सही में बिल्कुल ज़मीन से जुड़कर एक सामान्य व्यक्ति की तरह कोई ऐसा व्यक्ति और जिसने इतने पद प्राप्त किए हैं वो ऐसी यात्रा और जो यात्रा में ना कोई राजनीतिक उद्देश्य है, ना कोई धार्मिक है, आध्यात्मिक उद्देश्य है। एक हर व्यक्ति का धर्म अपना निजी होता है, लेकिन अध्यात्म जो एक उससे बड़ी चीज़ होती है, तो उससे वो जुड़े हैं, संस्कृति से, प्रकृति से, हमारे तौर तरीकों से वो जुड़े हैं, और कहीं एक लोगों के बीच में एक जुड़कर एक जागृति भी दिखती है। ये जो आज की यात्रा आप कब से इस यात्रा में? सवेरे से, आज ही सवेरे, जी, सवेरे से। तो अभी आप शाम तक यहाँ यात्रा में जी, जी रहेंगे। जो लोग मिले आपको, जिन लोगों से आपने बीच में बात की, क्या उन लोगों का अनुभव था, क्या आपने देखिए? एक तरीके से एक दृश्य था पूरे प्रदेश का, खासकर इस इलाके का। अलग अलग समाज के, समुदाय के, उम्र के लोग मिले, कुछ अपनी व्यक्तिगत बात कर रहे थे, कुछ वैसे ही गप लड़ा रहे थे, कुछ धार्मिक बातें कर रहे थे, कुछ थे कर रहे थे, कुछ महिलाएं जो अपने घर की बातें कर रही थी, कुछ राजनीतिक लोग थे जो अपने परिदृश्य से बात कर रहे थे। तो एक तरीके से समझ लीजिए 5-6 घंटे में एक, जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में कैलिडोस्कोप, प्रदेश कम से कम पूरे क्षेत्र का दिख गया। कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा। देखिए इस परिवेश में तो मैं काम करता रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर मेरा जीवन मध्य प्रदेश में काम में बीता है, दिल्ली में तो केवल राजनीति के दृश्य में रहा, लेकिन यहाँ आते हैं तो एक बिल्कुल अनुभूति, अनुभव बिल्कुल दूसरे तरीके का होता है। जो एक तरीके से कहेंगे शहर की जो कृत्रिम जिंदगी है उससे बिल्कुल अलग और विपरीत यहाँ की जिंदगी दिखती है। इस यात्रा से ये वो मुझे नहीं लगता किसी जहन में अभी बात है पार्टी के लाभ होगा कि नहीं होगा। दिग्विजय सिंह जी जैसे कह रहे हैं कि आत्मिक रूप से अगर हम देखें तो कहीं नर्मदा जी की कृपा बने, गुजरात हौसला मिला है, कृपा प्रदेश की उसकी खुशहाली पर हो, किसी पार्टी पर, किसी व्यक्ति पर आप मेहनत करेंगे, आप लोगों से, उनकी समस्याओं से, जनजीवन से जुड़ेंगे तो अपने आप मां नर्मदा की कृपा आप पर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम शुभकामना देते हैं आपको भी कि आप लोग यूं ही इस यात्रा को अनवरत जारी रखें और लोगों का सर्व मंगल की जो कामना के साथ ये यात्रा शुरू हुई वो पूर्ण हो। हम इसी तरह अन्य लोगों से भी आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नर्मदा पूर्ण परिक्रमा लॉजिकल इंडिया पर। टेक केयर।